दोस्तों फाइनली झारखंड उत्पाद सिपाही का एडमिट कार्ड का लिंक जारी कर दिया गया है। अगर आप झारखंड उत्पाद सिपाही का तैयारी कर रहे हैं तो आपका फिजिकल डेट कहाँ है, तो इसका एडमिट कार्ड लिंक जारी कर दिया गया है। तो चलिए मैं अभी एडमिट कार्ड डाउनलोड अभी देख सकते हैं, इसका एडमिट कार्ड है और मैं आपको झारखंड उत्पाद सिपाही का एडमिट कार्ड डाउनलोड करके मैं अभी बताने वाला हूँ। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। तो झारखंड उत्पाद सिपाही के एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको टाइप करना है JSSC, ठीक है, JSSC टाइप कीजिएगा, JSSC एडमिट कार्ड, ठीक है, JSSC एडमिट कार्ड जैसे ही क्लिक कीजिएगा आप, JSSC स्पेलिंग सही होना चाहिए, एडमिट कार्ड, ठीक है, एडमिट कार्ड एंड क्लिक कीजिएगा। यहाँ से होने के बाद आपको देखिए एडमिट कार्ड का लिंक कैंडिडेट, देखिए अभी देखिए नंबर सेकेंड में आपको मिल रहा है एडमिट कार्ड लॉगिन JSSC, जो कि झारखंड उत्पाद सिपाही का एडमिट कार्ड का लिंक डायरेक्ट आपको वेबसाइट में दिखाई का मिल रहा है। तो मुझे अभी क्या करना है, झारखंड एडमिट कार्ड में लॉगिन कर देना है, एडमिट कार्ड लॉगिन में आना है, ठीक है, झारखंड उत्पाद सिपाही का डाउनलोड करने के लिए इसमें आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अभी देखिए झारखंड इंडस्ट्री, ये दूसरा चीज क्या आ गया, तो मुझे क्या करना है, उत्पाद सिपाही वाला करना है। तो उत्पाद सिपाही करने के लिए अभी देखिए, अभी देख लेते हैं इसका लिंक दिया है कि नहीं। अब देखिए बहुत सारा वेबसाइट में आपको दिया हुआ मिल जाएगा। अभी देखिए इसमें नंबर कितना में दिया हुआ है, 1 2 3 4 नंबर में दिया हुआ है, 5 नंबर में, ठीक है, ये वाला लिंक, इसमें क्लिक करना है। अब जैसे इसमें क्लिक करेंगे आपका वेबसाइट जो है ओपन हो रहा है, ठीक है, झारखंड उत्पाद सिपाही का एडमिट कार्ड ओपन हो रहा है, वेबसाइट का लिंक ओपन हो रहा है। तो अब देखिए थोड़ा सा जल्दी करने के लिए मुझे क्या करना है, व्हाट्सएप में आ जाना है, ठीक है, अभी इसमें बहुत ज्यादा है। व्हाट्सएप में मेरा एक लिंक दिया है जो कि मैं वीडियो के लिंक में मैं दे दूंगा, झारखंड उत्पाद सिपाही के एडमिट कार्ड का लिंक करने का डाउनलोड। तो मेरा व्हाट्सएप में एक आया हुआ है, मैं व्हाट्सएप चैनल में देख लेता हूँ रोजगार विद अंकित के सर से, ठीक है, इसमें मैं क्लिक करूंगा। यहाँ से क्लिक करने के बाद अभी देखिए एक लिंक आया हुआ है, झारखंड पुलिस कांस्टेबल PET एडमिट कार्ड, इसमें मुझे क्लिक करना है। जैसे मैं क्लिक करूंगा एंड जस्ट वंस में क्लिक करना है, ठीक है, जस्ट वन में क्लिक करने के बाद मेरा वेबसाइट अभी देखिए झारखंड उत्पाद सिपाही का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए मेरा लिंक ओपन हो चुका है। अभी कैंडिडेट लॉगिन फॉर फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, इसमें क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, इंटर कैप्चर, ये रजिस्ट्रेशन नंबर कौन सा होता है मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है, अभी आप देखे होंगे, आप जो फॉर्म भरे होंगे इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, देखिए 3060127 3410, ये इस तरीके से आपका एडमिट कार्ड में रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा और डेट ऑफ बर्थ, तो ये जो है ये आपको टाइप करना है, ठीक है। तो ये टाइप करने के लिए चले मैं क्रोम ब्राउज़र में आ जाता हूँ, क्योंकि मैं क्रोम ब्राउज़र में ओपन करके रखा हूँ। अभी चले मैं आता हूँ, ठीक है, क्रोम ब्राउज़र में कहाँ है मेरा, मैं आता हूँ। देखिए यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, अभी देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको पूरा देना है, एकदम सही तरीके से देना है। जैसे जैसे आपका आपके जो फॉर्म जो भरे होंगे उसमें आप लिखे होंगे वह यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा। यहाँ पे टाइप करने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ देना है, तो डेट ऑफ बर्थ देने के लिए आपकी कौन सा साल है, तो इसका 2001 है, तो मैं 2001 आप स्क्रॉल कीजिएगा, अगर आपके पास लैपटॉप है तो बढ़िया से होगा, लेकिन मेरे पास अभी मोबाइल है, मैं मोबाइल से आपको बता रहा हूँ। अभी यहाँ से स्क्रॉल करने के बाद अभी कौन सा महीना है आपको महीना देना है, ठीक है, मैं नवम्बर महीना का है और 3 तारीख का है, ठीक है, 3 तारीख दे दीजिएगा। एंड यहाँ से जो कैप्चर आपको लिखा हुआ है, देखिए कैप्चर आप कैपिटल में दीजिएगा, ठीक है, कैपिटल में देने के बाद यहां से क्या कीजिएगा, अभी यहाँ क्या कीजिएगा, लॉगिन कर दीजिएगा। जैसे ही हम लॉगिन में क्लिक करेंगे दोस्तों, तो अभी क्या बताए, देखिए अभी क्या दे रहा है, कैंडल क्लियर द ब्राउजर हिस्ट्री, अभी हिस्ट्री का हमको क्लिक करने बोल रहा है, तो मैं अभी हिस्ट्री को क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, इसको जो मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मेरा ये जो हिस्ट्री है काफी फुल हो चुका है, ठीक है, तो क्लियर करने के लिए हम डिलीट ब्राउजर में जाएंगे एंड यहाँ से डिलीट में क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, जिससे कि सारा मेरा डाटा क्लिक हो गया, देखिए, तो यहाँ से मैं जाऊंगा एंड यहाँ से क्लियर टैब कर दूंगा, ठीक है, जैसे कि मेरा सारा टैब क्लोज हो चुका है। मैं फिर से एक नया टैब ले लेता हूँ, तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, बहुत जल्दी मैं झारखंड उत्पाद सिपाही के एडमिट कार्ड, यहाँ से मैं फिर से लिंक क्लिक करूंगा जिससे कि मेरा ओपन हो जाएगा डायरेक्ट कॉलम में, ठीक है, इस बार मेरा हो जाएगा, क्योंकि क्लियर डाटा नहीं था, मेरा जो टैब है टैब सबसे ज्यादा बन चुका था, जिसके कारण एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा था। तो थोड़ा वेट करते देख लेते हैं, ठीक है, अभी जैसे हम करेंगे लिंक मेरा जैसे कि ओपन हो जाएगा, दोस्तों आप लोग आशा में मत रहिए, अभी झारखंड उत्पाद सिपाही का एडमिट कार्ड का लिंक अभी अभी तुरंत जस्ट जारी कर दिया गया है। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए, अभी मैं दिखाता हूँ, चलिए
अब जैसे लिंक ओपन हो गया, आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको पूरा सही तरीके से एंड प्रॉपर तरीके से आपको देना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर मैं अभी टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर मैं अभी टाइप कर देता हूँ, ठीक है। आपको सही सही रजिस्ट्रेशन नंबर देना है। मैंने आपको दिखा दिया कि रजिस्ट्रेशन नंबर कौन सा होता है। अभी यहाँ से देने के बाद आपको क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ में देना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ जिसने अप्लाई किया था झारखंड उत्पाद सिपाही एक्सरसाइज कॉन्स्टेबल का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको देना है यहाँ से डेट ऑफ बर्थ, पूरा डेट ऑफ बर्थ इसका 3 महीना है। अभी क्या करना है, ये कैप्चर जो आपको दिखाई मिले नीचे DFAP इसको अच्छी तरीके से दे लेना है। एंड लॉगिन में क्लिक, जैसे ही हम लॉगिन में क्लिक करेंगे अभी दोस्तों देख सकते हैं झारखंड उत्पाद सिपाही का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुका है। तो दोस्तों अभी फाइनली इसका झारखंड उत्पाद सिपाही का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुका है, देख सकते हैं। इसका झारखंड एक्सरसाइज कॉन्स्टेबल कॉम्पिटिशन एग्जाम एडमिट कार्ड और फिजिकल प्रेजेंस। अभी देखिए कैंडिडेट नाम, कैंडिडेट का एड्रेस, टेस्ट सेंटर, अभी लोकेशन आप इसका कहाँ दिया, JSE बोर्ड JPTCA पदमा हजारीबाग। तो दोस्तों इस स्टूडेंट का सेंटर जो पढ़ा है हजारीबाग में, पदमा में पढ़ा है, ठीक है। और इसका टाइमिंग जो रिपोर्टिंग टाइम है 5 बजे सुबह है और गेट क्लोजिंग टाइम है 12 बजे, ठीक है। और स्टार्टिंग ऑफ फिजिकल एलिबिलिटी 6 बजे से इसका सुबह दौड़ स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए एडमिट कार्ड को आपको इसको लेके जाना है और एडमिट कार्ड के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है तो मैं नेक्स्ट में वीडियो में आपको बता दूंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है। तो अभी देख सकते हैं इसका एडमिट कार्ड जो इसका डाउनलोड हो चुका है और अभी अभी देख सकते हैं तुरंत जारी हुआ है, झारखंड पदमा में पड़ा है हजारीबाग में। तो दोस्तों इसी तरीके से और वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जो सब्सक्राइब करें। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि झारखंड उत्पाद सिपाही के साथ एडमिट कार्ड के साथ क्या क्या लेके जाए। तो अब देखिए इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुका है, देख सकते हैं अभी कब कहाँ लोकेशन है, झारखंड उत्पाद सिपाही का जो है एडमिट कार्ड इसका लिंक जारी कर दिया गया है और पदमा में है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।